मैं यहाँ पे डेटा डाल रहा हूँ, जैसे आमरा राजा बैटरी मैंने यहाँ पे डाला, राइट, तो बाजार गिर रहा है। अब आमरा राजा बैटरी तो कितने, 2015 से हमने इसका नया हाई नहीं देखा, राइट, लंबा समय हो गया। तो ये इतना लंबा समय क्यों करेक्शन में रहा, राइट? यहाँ पे मेरे को लगता है राजकुमार कुछ बोल रहे थे अभी अगले शेयर में, तो यहाँ पे कुछ इनपुट दे सकते हो राजकुमार, ये क्या हुआ आमरा राजा में? डेब्ट फ्री कंपनी है, इसका पास्ट क्या जबरदस्त चली थी, फिर ये क्या हो गया इसको? सर एक तो अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरा सेक्टर ही डाउन है। देखो ये जो आपने पहली लाइन बोली ना राजकुमार जी, फंडामेंटली देखें तो पूरा सेक्टर डाउन है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सेक्टर सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर निफ्टी, निफ्टी के बाद जो कोई चीज को देखा जाता है तो वो इंडाइसिस होते हैं। इंडाइसिस यानी क्या? हाँ राजकुमार जी, इंडाइसिस यानी सेक्टर, सब सेक्टर्स जो है, हाँ, ऑटो इंडाइस, इंफ्रा इंडाइस, ये सब। देखो ये मैंने आमरा राजा बताया, राइट, आपको कहना चाहिए पीयूष भाई चलो मेरे को एक बार निफ्टी ऑटो बता दो, ये मैं यहाँ पे निफ्टी ऑटो बताता हूँ आप, दिस इज निफ्टी ऑटो। तो ये निफ्टी ऑटो भी कितने समय से करेक्शन में है, लंबा समय, 2017 से। तो ये तो हम यही कहेंगे 2017 का ही भाव चल रहा है अभी, है ना? तो ये इतना लंबा समय क्यों करेक्शन में रहा ऑटो? तो आपने अभी बोला वो बात सही है, क्योंकि सेक्टर अफेक्टेड था, राइट? हमने देखा कि ये सेक्टर की कंपनियों के वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे थे, इनफैक्ट डिक्रीज हो रहे थे। जो कंपनी 10 लाख गाड़ियां बेचती थी वो 9 लाख पे आ गई, 5 लाख वाली 4 लाख पे आ गई, राइट? ये तो फिर भी टिके इसलिए रहे क्योंकि कंपनियां अपने दाम बढ़ाती है तो सेल्स थोड़ा इफेक्ट होता है, राइट? सो दिस वॉज ऑटो। ये ऑटो से हम समझ ले कि क्या हाल है। अब हम यहाँ पे आमरा देखेंगे। एक चीज यहाँ पे ऑटो की हमें समझनी चाहिए कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है सर, दिया है। ये कौन सा महीना है ब्रेकआउट का? जुलाई 2022, राइट? तो जुलाई 2022 में ऑटो ने आपको कान में एक चीज कही है, ऐसा मेरे में हो रहा है जो पिछले 5 साल से नहीं, अब मेरे वॉल्यूम वापस से बढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूम बढ़ेंगे सेल्स बढ़ेंगे, और सेल्स बढ़ेंगे प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो आपको एक एडवांस इंडिकेटर मिल गया है कि अब ऑटो की कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ के आने वाले हैं, राइट सर? राइट। ब्रेकआउट को ध्यान में रखूं और ऐसे सेक्टर को याद रखने कि भी ऑटो हमारे पास अभी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म हमें ये 15% से ज्यादा ग्रोथ नहीं देने वाला है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम पूरा पोर्टफोलियो 50% ऑटो का बनाएंगे, राइट? पर हमारे पोर्टफोलियो में 7-10%, 7-10% की जगह हम ऑटो को देंगे तो कोई चिंता की बात नहीं। अभी हमें ऑटो जो हैरान कर रहा था वो नहीं करे। नाउ आई एम कमिंग टू आमरा राजा। अब हमें आमरा राजा समझ में आएगा कि यस ऑटो वॉज अफेक्टेड, आमरा राजा वॉज अफेक्टेड। यहाँ पे सर ये क्या हुआ था? बेंड ऑफ द ट्रेंड। बेंड ऑफ द ट्रेंड, पर वो तो सर इधर भी थी, है ना? राइट, इधर भी थी, इधर भी थी। एक क्वेश्चन है, जो आप बेंड ऑफ द ट्रेंड बोलते हो, हाँ, ये जो ये वाला बेंड ऑफ द ट्रेंड है अगर, तो ये तो हाँ, पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। कौन सा वाला? ये वाला जिसको आपने, ये नहीं सर, ये वाली है, इसके बाद वाली, ये बेंड ऑफ द ट्रेंड नहीं है ना, ये नहीं गिनेंगे हम, ये नहीं गिनेंगे बेंड ऑफ द ट्रेंड, यानी जो अपनी पिछली कैंडल के ऊपर बंद, उसको स्ट्रेंथ इतना तो होना चाहिए कि वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज रह सके, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ओके, चाहे छोटा भी हो तब भी ये बैंड ऑफ द ट्रेंड, हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर वो खराबी तो कम हुई। पर आप एक चीज नोट करोगे कि ज्यादातर बैंड ऑफ द ट्रेंड अच्छे सपोर्ट पे होती है। देखो यहाँ 50 मेमा था, तो यहाँ पे इन्वेस्टर ने उम्मीद की कि चलो नीचे लोअर लेवल है, अपन बाइंग करते हैं और यहाँ से आमरा राजा अच्छा रिकवर होगा, राइट? पर आमरा राजा की ताकत नहीं थी क्योंकि ऑटो की ताकत नहीं थी, बराबर ना? तो अगेन इसने 2-3 बार सपोर्ट लेने का कोशिश किया, फिर 100 मेमा पे वही चीज, फिर 200 मेमा पे वही चीज हुई। तो ये हर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लेता जा रहा है, लेकिन सपोर्ट इसको कोई मिल नहीं सकता है। मेन सपोर्ट क्या है, सबसे बड़ा सपोर्ट? 200। धंधा। अच्छा, धंधा धंधा, जब तक धंधे सुधरेंगे नहीं सपोर्ट कहां से आएगा, राइट? ये तो हमारी उम्मीद होती है कि यहाँ पे लोअर लेवल पे बड़े बाइंग आते हैं, पर वो टिकने तो चाहिए, एक बार मुझे रिकवरी आएगी। पर अगर मेरा धंधा लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट का नहीं आया, तो वापस क्या हो जाएगा, वही फॉल, बराबर कि नहीं?
सर एक चीज बताओ कि ये जो आपने कहा कि ये 2017-15 से डाउन ट्रेंड में है, बराबर है, तो यानी उसके बाद इसने हाई नहीं मारा और आपने कहा कि पूरा सेक्टर ही डाउन है, तो ऑटो सेक्टर में हमें पहला इंडिकेशन तब मिलेगा जब उसके वॉल्यूम्स डाउन हो जाएंगे, सेल डाउन हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले सेल्स डाउन होता है ना, तब आपके शेयर करेक्शन में आ जाते हैं। जो हर एक या दो तारीख को रिजल्ट आता है कि अगर वो पिछले महीने से डाउन है या साल से डाउन है, कैसे कंपेयर देखना है उसको। अभी आप लोगों ने रिजल्ट कैसे देखे, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, ऐसे देखे ना। हाँ, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, जैसे अमरा राजू का अगर अभी का मैं यहाँ पे रिजल्ट ओपन करूँ, वो तो हमने 9 मंथ का देख लिया, ठीक है, लेकिन पर 9 मंथ तो अभी देखा, उससे पहले कौन से रिजल्ट आए, उससे पहले H1 आया था, फिर क्वार्टर वन आया होगा। तो जब भी रिजल्ट आते हैं ना, तब हमको इतना पता चल जाना चाहिए रिजल्ट से कि मेरे सेल्स बढ़ के आ रहे कि घट के आ रहे, राइट। अभी का ट्रेंड कैसा है इसका? अभी का ट्रेंड तो सेल्स का तो नीचे है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुआ है। देखो सेल्स का अच्छा ट्रेंड है ये, 27-28%, मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बराबर ना, क्योंकि GDP 15% और ये तो अभी 25-25% के ग्रोथ तो बहुत अच्छे ग्रोथ है, राइट। पर हमको जो मार्जिन का सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो भी मिलने लगा H1 से, तो प्रॉफिट भी बढ़े, राइट। हमने ज्यादातर कंपनियों में देखा और हम कई मीटिंग से कह रहे हैं कि ऑटो की जो कंपनियां है उनमें रिकवरी आएगी, क्योंकि ऑटो के सबके वॉल्यूम्स उतरते जा रहे हैं। बीच में अशोक सोनाग्रा ने भी एक वीडियो पेश किया था वॉल्यूम का, तो ऑटो में हमें नेगेटिव रहने की जगह नहीं, राइट। तो वॉल्यूम चेक करें आपकी कंपनियों के, कुछ कंपनियों में वॉल्यूम मिलेंगे, कुछ में सीधे सेल्स मिल जाए, सेल्स डेटा, राइट। तो जब भी रिजल्ट आता है आपके लिए सबसे पहली चीजें देखने लायक सेल, अगर सेल्स अफेक्टेड है तो ये सीरियसली लेने की चीज है, क्योंकि ये बहुत हैरान कर सकती है। अगर प्रॉफिट अफेक्टेड है तो टेम्पररी फॉल आए, राइट, और वो रिकवरी भी आ जाएगी। देखो कितना लंबा फॉल है अभी, ये 5 साल हो गए, क्यों, क्योंकि आपके सेल्स अफेक्टेड थे। तो सेल्स को कभी भी मजाक में नहीं है, बराबर सर। सर ये तो ऑटो सेक्टर की बात हो गई कि उसके हमने ऑटो के नंबर आते हैं, कई सेक्टर ऐसे कि उसमें ऑटो के नंबर नहीं आते, तो उसमें हमें क्या देखना है, सेल्स देखने, सेल्स ही देखने का ना सर, आपको रिजल्ट तो हर 3 महीना मिल ही जाते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या करना है कि हर सेक्टर में जो कंपनी है उन सबके टोटल सेल्स कर ले, और जहां भी अपन ने निवेश किया हुआ है उनके सेल्स चेक कर ले। नहीं, पर पूरे सेक्टर डाउन जा रहा है, जैसे मान लो FMCG है, हाँ, उसको हमने देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस सेक्टर में पूरी सेल्स देखेंगे पिछले क्वार्टर की कितनी आई है। देखो अगर आपको FMCG का ध्यान रखना है कि FMCG में क्या चल रहा है, तो FMCG इंडाइसिस की जो कंपनियां है उनके सेल्स देखने के, ज्यादातर कंपनियों का एक जैसा ही हाल होगा। मान लो हिंदुस्तान लीवर के सेल्स अफेक्टेड है, तो आप देखोगे ब्रिटानिया को भी धंधा अफेक्ट हुआ होगा, ना टाटा कंज्यूमर, ना सब लोग, राइट। तो सबसे पहले जिनके रिजल्ट आने लगते हैं ना, वो ट्रेंड सेट करते हैं। जैसे हर बार आप देखोगे HDFC बैंक के नतीजे सबसे पहले आ जाते, तो बैंकिंग का वो ट्रेंड तय करते हैं। ICICI के निवेशक खुश या दुखी पहले से हो जाते हैं HDFC का रिजल्ट देख, राइट। तो पहले जो रिजल्ट होते हैं वो इंडस्ट्री का आउटलुक होते हैं, बराबर है। तो लोग अंदाजा पहले से लगा देते। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोअर लेवल पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमने बाइंग और एक देखा, तो ये आपका कॉन्फिडेंस वाला बाइंग है, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है, राइट। तो ये सब क्या बता रहा है कि चलो लोअर लेवल पे बाइंग आते जा रहा है, यू कैन कीप कॉन्फिडेंस। मैं कम से कम जो अपना पुराना हाई है वहां तक की रिकवरी उम्मीद करूंगा, राइट, वहां तक। ये मेरा नियर टर्म ट्रेंड हुआ। तो मार्जिन और सुधर के आए, है ना, प्रॉफिट सुधर के आए, सेल थोड़े डीम है पर 22% बढ़िया है। इन डेटा के हिसाब से मेरे को इतना पता चल रहा है कि ये बार मेरे धंधे 10,435 करोड़ यानी लाइफ टाइम हाई, मेरे प्रॉफिट 727 करोड़ यानी प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई। तो आपको पता रहना चाहिए कि आमरा राजा बैटरी इसको फाड़ के पर जाने ही वाला है, ये कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सेल्स प्रॉफिट आपके लाइफ टाइम में ही आने वाले, राइट।